अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूँ मिजात और मैं आपको करवाती हूँ मैथमेटिक्स क्लास 5 का, जो कि हम करते हैं पंजाब टेक्स्ट बुक से। ये आपकी बुक है, गवर्नमेंट सिलेबस है ये। तो हमने इसका, जैसे प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी, तो हमने इसका चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने इसकी एक्सरसाइज नंबर 4 की थी, तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 5th करेंगे, यानी कि 5 वाली जो एक्सरसाइज है इसकी आज हम वो सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 5 में है क्या जी? आपने एक्सरसाइज 5 में है कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल, यानी कि आपको फ्रैक्शन जो है वो डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करनी है। तो चलो हम देखते हैं कि क्या क्या रूल्स है और क्या मेथड्स हैं। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर आप थोड़ा सा अपने लेक्चर्स को रिवाइज करें तो मैंने आपको स्टार्टिंग पे बताया था कि जो डेसिमल और फ्रैक्शन ऑलमोस्ट सेम चीज़ होते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी होल नंबर और पार्ट्स ऑफ होल को लिखने के दो मेथड होते हैं, एक है फ्रैक्शन और दूसरा डेसिमल। तो लिहाजा हम डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो आपके आज एक्सरसाइज में जो आपकी आपसे रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपने फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम थोड़ा सा चेक करते हैं कि फ्रैक्शन को डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसा हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में डिवीजन ऑफ डेसिमल नंबर्स देखे थे, हमने पहले देखा था कि अगर आप 10 से डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो आप 1 डेसिमल प्लेस मूव करते हैं लेफ्ट साइड से, राइट टू लेफ्ट। इसी तरह अगर आप 100 से करते हैं तो आप 2 डेसिमल प्लेस मूव करते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड को। इसी तरह 1000 से जब आप किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आप राइट से लेफ्ट 3 डिजिट मूव करते हैं, आपका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट्स मूव करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको कोई भी फ्रैक्शन दी होगी, उसका जो भी डिनोमिनेटर होगा उसको आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है विद द डिनोमिनेटर 10, 100 and 1000 में आपने उस डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर लेना। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ्रैक्शन दी हो 3/5, तो सबसे पहले आपने, आपको ये जो फ्रैक्शन है आपने इसको कन्वर्ट करना है कि इसका जो डिनोमिनेटर है वो या 10 आ जाए, 100 आ जाए या 1000। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि आपने डिनोमिनेटर को 10 में कन्वर्ट करना है, 100 या 1000 में? तो आप अपना डिनोमिनेटर देखेंगे, अगर तो ये नंबर किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो जाए जिसका आंसर 10 आ जाए तो आपने इसे का डिनोमिनेटर 10 कर लेना है। लेकिन अगर जो आपका गिवन डिनोमिनेटर है वो किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होकर आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 नहीं आता तो आपने इसे 100 पे चेक कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह आपने इसे 1000 पे चेक कर लेना है। जैसा कि मेरे पास 3/5 है, तो मैं अगर इसे 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, मेरे पास डिनोमिनेटर 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 3/2 6 हो जाएगा। अब यहाँ हमने मल्टीप्लाई करके इसका डिनोमिनेटर 10 कर लिया, यानी कि 3/5 इज इक्वल टू 6/10। ठीक है, अब मैंने इसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, तो मैंने 10 से जब डिवाइड करना है, मैंने आपको बताया था कि आपने 1 डिजिट मूव करना है लेफ्ट टू, सॉरी राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट। तो ये आपका यहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर आपका पॉइंट है तो ये 1 डिजिट बैकवर्ड आएगा यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 0.6, और ये आपकी डेसिमल फॉर्म है। आपके पास गिवन फ्रैक्शन थी 3/5, आपने उसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट किया 10 में, उसे जब आपका डिनोमिनेटर 10 हो गया तो आपने चेक किया कि मेरे पास यहाँ 10 है। तो जब भी हम किसी
नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट होता है वो वन डिजिट मूव करता है, वन प्लेस मूव करता है राइट से लेफ्ट साइड पे। तो मैंने इसको राइट से लेफ्ट साइड, यहाँ पे मेरे पास नंबर नहीं था, मैंने इसको लिख दिया 0.6, 0.6 या 0.6 सेम बात है, ठीक है जी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम डिनोमिनेटर 100 कर लें। और अगर आपको ये ना समझ आए कि 10 डिनोमिनेटर किस तरह होगा, तो मोस्टली वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 आएगा उनकी कन्वर्जन जो है, उनका जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 आता है, ठीक है। मोर देन 2 और 5 होगा तो वो 100 पे जाएगा और या 1000 पे जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर था जी 7/25। अब यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है ये ऑलरेडी 10 से ग्रेटर है, तो ये किसी भी सूरत पॉसिबल ही नहीं है कि मैं इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास डिनोमिनेटर 10 आ जाए। इसलिए इस नंबर को हम चेक करेंगे कि ये 100 पर किस तरह 25/4 होता है, 25/4 100। अब आपको पता है जिस नंबर से हमने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है सेम उसी नंबर से हमने न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, 7/4 28। अब जिस नंबर से कोई ऐसी फ्रैक्शन जो 100 पे डिवाइड हो रही है तो हम कितने डेसिमल प्लेस मूव करेंगे, 2 डेसिमल प्लेस, किस साइड पे, राइट से लेफ्ट साइड पे, यानी कि पॉइंट, ठीक है, 1 2 1 और 2 डिजिट के बाद मेरे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। और इसी तरह आपने 1000 का करना है। एक बार फिर सुन लें कि आपने सबसे पहले क्या करना है, जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दी हो जिसको आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आपने उसका डिनोमिनेटर 10, 100 and 1000 में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। फिर जब आपका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 हो जाएगा तो उसके अकॉर्डिंगली आपने चेक कर लेना है कि अगर आपका डिनोमिनेटर 10 है तो आप 1 डेसिमल प्लेस लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे, अगर आपका डिनोमिनेटर 100 था तो आप 2 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे, और इसी तरह अगर आपका डिनोमिनेटर 1000 था तो आप 3 डेसिमल प्लेस मूव करेंगे राइट टूवर्ड लेफ्ट, ठीक है जी। कन्वर्ट द फ्रैक्शन रूल नंबर 1 अगर आप देखें, कन्वर्ट द फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 और 100 और 1000, जैसे कि अभी मैंने आपको करके दिखाया। एंड स्टेप नंबर 2 है टेक गिवन फ्रैक्शन न्यूमिनेटर देन मार्क, ये अपवर्ड जो फ्रैक्शन बार के अपवर्ड डिजिट है वो हमारा न्यूमिनेटर होता है, ठीक है। तो हमने वो न्यूमिनेटर ले लिया, साइड पर लिख लिया, फिर हमने चेक किया, देन मार्क द डेसिमल पॉइंट आफ्टर 1 or 2 or 3 प्लेस फ्रॉम राइट टूवर्ड लेफ्ट। हमने अपना न्यूमिनेटर साइड पे लिखा, फिर हमने देखा कि हमारा डिनोमिनेटर क्या था, अगर ये 10 था तो हम 1 डेसिमल प्लेस राइट से लेफ्ट साइड पे आ जाते, अगर 100 है तो हम 2 डेसिमल प्लेस आ गए, अगर ये 1000 होता तो हम 3 डेसिमल प्लेस आ जाते, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी अगर आपका कोई फ्रैक्शन ऐसी हो जिसको सॉल्व करके आपका आंसर होल नंबर में आ जाए, यानी कि कंप्लीट नंबर आ जाए, तो आपने उसकी फ्रैक्शन कैसे लिखनी है, चलें देखते हैं जी। अगर हमारे क्वेश्चन में कोई ऐसी फ्रैक्शन आ जाए जिसको हम सॉल्व करें लेकिन हमारे पास डेसिमल में आंसर ना आए, वो एक होल नंबर आंसर आ जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अगर मैं फ्रैक्शन यहाँ पे लिखूँ 20/5, ठीक है जी, ये मैंने एक फ्रैक्शन लिख ली है। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 2 और 5 होगा वो हमेशा 10 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आती है, यानी कि वो फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 10 हो जाए, 5 2 10। अगर ये 10 आ गया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके 10 आ गया, तो 20 को भी मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये क्या हो जाएगा 40, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 40। जब हमारा डिनोमिनेटर 10 आ गया तो हम क्या करेंगे जी, अपनी फ्रैक्शन को इसी तरह लिख लेंगे जो न्योमिनेटर है फ्रैक्शन का। अब हमने
राइट साइड से एक डिजिट मूव करना था लेफ्ट 1 4.0। लेकिन अगर आप 10 10 10 10 4 40 एग्जैक्ट 4 आ जाता तो आपने राइट साइड पे 0 पुट करना है, डेसिमल राइट साइड पे और 0 पुट करना है, ठीक है। अ होल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बाय पुटिंग 0 टू द राइट साइड। जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको सिंपली लिख कर दिखा दिया कि जो आपका न्योमिनेटर है आप उसे एज इट इज लिख लें, फिर आपने वहाँ से अपना डेसिमल प्लेस डेसिमल डॉट को मूव करना है राइट से लेफ्ट, ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इसे सॉल्व करते, क्योंकि फ्रैक्शन जो है ये बेसिकली आपकी डिवीजन होती है, 10 1 10 10 4 40 एग्जैक्ट 4 आ जाता तो आप राइट साइड पे 0 पुट करते, ठीक हो गया। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं जी। तो एक्सरसाइज नंबर 5 हमारी है कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इंटू डेसिमल। सबसे पहले हम इस ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए चेक करते हैं जो कि हमारे पास 45 by 2। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, हमने अपनी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर चेक करना है जो कि है हमारे पास 2। इस 2 को हमने क्या करना है, कन्वर्ट करना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर या तो 10 हो, 100 हो या 1000 हो। तो मुझे पता है कि अगर मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास डिनोमिनेटर 10 आ जाता है। अगेन वो फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर 2 और 5 होगा उनकी जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आएगी उसका डिनोमिनेटर 10 ही होगा, ठीक है। 100 10 और 1000 में से बता रही हूँ उनका डिनोमिनेटर 10 होगा, ठीक है। अगर मैंने 45 लूँ, जिस नंबर से मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया उसी से मैं 45 को मल्टीप्लाई करूँगी। अब 5 5 20 5, ठीक है। 5 या 2 कैरी 5 4 20 20 और 2 जो हमारा कैरी था वो 22 हो गया। ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप में हमने क्या करना है, अपना न्योमिनेटर लिखना है। ये हमने अपना न्योमिनेटर लिख लिया, फिर हमने डिनोमिनेटर चेक करना है वो 100 था, 10 था या 1000। मेरे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर था 10 है, मेरे पास यहाँ डिनोमिनेटर 10 है, तो मैं कितने डिजिट डेसिमल प्लेस मूव करूँगी, डेसिमल डॉट को मूव करूँगी 1 डिजिट या 1 प्लेस। यहाँ से मूव हो जाएगा ये राइट टू लेफ्ट आना है, आपने राइट टू लेफ्ट आना है। तो मेरे पास आंसर आ गया 22.5, यानी कि 45 by 2। अगर हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो ये क्या होगा, 22.5। इसी तरह हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जो कि है 9/25। एक्सरसाइज 5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका पार्ट बी है 19/25। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, हमारी जो गिवन फ्रैक्शन है उसको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है विद द डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 में, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास ये ऑलरेडी जो डिनोमिनेटर में डिजिट है जो नंबर है वो 25 है, तो इट्स मीन ये 10 इसका डिनोमिनेटर हो नहीं सकता क्योंकि 10 स्मॉलर नंबर है। अब हम 25 को अगर 4 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 100 आता है, ठीक है। मैं लिख लूँ ये 100 हो गया। लेकिन हमें ये भी पता है कि जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं सेम उसी नंबर से हमने न्योमिनेटर को भी मल्टीप्लाई करना है। अब 19 4 4 9 36 6 और 3 कैरी 4 1 4 और 3 7, ठीक है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आपने अपने टेबल्स जो हैं बहुत अच्छे तरीके से याद करने ताकि आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना हो। अच्छा जी, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया, हमने कन्वर्ट कर लिया अपनी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में। अब हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, जो हमारा न्योमिनेटर है उसे लिख लेना है जो कि था 76। अब हमने अपना डिनोमिनेटर चेक करना है, 10 है, 100 है या 1000 है। यहाँ पर मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, 100 है। तो यहाँ से मुझे आइडिया हुआ कि मैंने जब मेरा डिनोमिनेटर 100 होगा तो मैंने 2 डेसिमल प्लेस मूव करनी है, 2 डेसिमल प्लेस मूव करनी है, यानी कि 2 डिजिट मूव करने हैं
राइट से लेफ्ट साइड पे 1, 2 यानी कि यहाँ पे मेरा डेसिमल आ जाए, ये आ गया 0.76। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 0.76, 0 एज अ होल नंबर, 0 मीन नथिंग, ठीक है। तो आप इसे लिख सकते हैं 0.76 या 0.76, इट्स अप टू यू। अच्छा जी, अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं जो है 7/40। हम देखते हैं कि उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट सी जो है 7/40, ठीक है जी। अब हम सबसे फर्स्ट स्टेप जो है हमारा 7/40 को कन्वर्ट करना है हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में विद द डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000। ये 10 के साथ तो नहीं होगा, इसका कोई भी ऐसी फ्रैक्शन नहीं होगी जिसमें इसका डिनोमिनेटर 10 आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी ग्रेटर डिनोमिनेटर है। 40 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 100 आ जाए। 42 are 80, 43 are 120, यानी कि ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जिसको हम 40 से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर 100 आ जाए। इट्स मीन अब हमारे पास थर्ड डिनोमिनेटर जो है वो है 1000। तो 40 को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है 1000 हो जाए, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन नंबर बी में आप देखें तो मैंने 25 × 4 किया जो है 100। अगर 25 × 4 = 100 तो यहाँ 40 × 25 = 1000, क्योंकि 10 इसका आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 40 × 25 = 1000, ठीक है। अब हम 7 को भी 25 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 25, 7 × 5 = 35, 5 × 3 = 7 × 2 = 14, 7 × 2 = 14 प्लस करेंगे जो 3 हमने कैरी लिया था तो वो क्या हो जाएगा 17। यानी कि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 7/40 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या आई है 175/1000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप में हमने अपना न्योमिनेटर लिख लेना है। देन हमने अपना डिनोमिनेटर चेक करना है कि वो क्या है। ये हमारे पास डिनोमिनेटर है 1000, तो हमने कितने डिजिट मूव करने हैं, कितने डिजिट्स के बाद डेसिमल लगेगा, 3 डिजिट के बाद राइट टू लेफ्ट आना है आपने 1, 2 और 3, यानी कि यहाँ पे हमारे पास डेसिमल लगे। अब आप इसको 0.175 लिख लें या 0.175 लिख लें, दोनों ठीक है, 0.175 और 0.175, ठीक है जी। मैंने आपको 10, 100, 1000 से तीनों मेथड बता दिए कि आपने किस तरह इनकी कन्वर्जन करनी है, ठीक है। इसीलिए आपके साथ हम एक क्वेश्चन दो और सॉल्व कर देते हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 97/8, ठीक है। अब यहाँ पे आप या तो 8 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्जन कर दें, ठीक है, डिनोमिनेटर 10, 100 और 1000 कर दें। 10 को 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, 10 नहीं आता। 8 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 100 भी नहीं आता। अब हमने चेक करना है 1000, 8 को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 1000 आ जाए, तो वो नंबर है जी, डेट इज़ वेरी ग्रेटर नंबर, ठीक है। लेट्स सी, 8 × 1, 2, 5, ठीक है, 8 × 5 = 40, 8 × 2 = 16 and 4 = 20, 8 × 1 = 8 and 2 = 10। ये तो हो गया हमारे पास जी 1000। अब 97 को अगर हम इतने ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको इस मेथड से सॉल्व करके देती हूँ, इसके बाद मैं आपको एक और मेथड बताती हूँ जिससे आपने इसे इजीली सॉल्व कर लेना है, ठीक है। 97 को हम 125 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, अपना आंसर चेक कर देते हैं, ठीक है। जैसा कि आप देखें मैंने 125 को 97 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास आंसर आया है 1, 2, 1, 2, 5, यानी कि 12,125। अगर मैं 97 को
125 से मल्टीप्लाई करो। सेकेंड स्टेप हमारा डिनोमिनेटर हम देख लेंगे 1000 और न्यूमिनेटर को लिख लेंगे। डिनोमिनेटर हमारे पास 1000 तो हमें पता है हमने 3 डिजिट मूव करना है राइट टू लेफ्ट 1, 2 और 3। डेसिमल प्लेस ये है, ठीक है, यानी कि आंसर आया 12.125। एक मेथड ये है कि आप इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें। जब आपके पास वो नंबर जिनको डिनोमिनेटर में वो नंबर जिनको आप मल्टीप्लाई कर लें इजीली, जैसे 25 हो गया, 40 हो गया, 2, 5, इस तरह के जो नंबर हैं 30, ठीक है, इनको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू 10, 100 और 1000 में। लेकिन जब आपके पास इस तरह के नंबर आ जाएं, जब आपको ये फाइंड आउट करना डिफ़िकल्ट हो जाए कि आपने इसको 100 में कन्वर्ट करना है या 1000 में, तो उसके लिए एक बहुत बड़ा यानी कि ग्रेटर नंबर के साथ आपकी मल्टीप्लिकेशन हो, तो उस चीज़ से बचने के लिए हम एक इजी वे में इसको सॉल्व कर लेते हैं, आंसर सेम आएगा, ठीक है। सेकंड मेथड जो है फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करने का, वो है जी डिवीजन मेथड। आपका जो न्योमिनेटर है वो आपका डिविडेंड है और जो आपका डिनोमिनेटर है डेट इज़ योर डिवाइजर, ठीक है जी। अब हम फर्स्ट डिजिट चेक करते हैं अपने डिवीजन होम में, जो है ग्रेटर है हमारे डिवाइजर से, तो इट्स मीन 8 आ गया, 1 और 7 ड्रैग हो गया। एट के टेबल में या तो हमने 17 चेक करना है या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करना है, तो 8 2 16। अब 7 - 6 1, ठीक है। अब यहाँ मैंने एक ज़ीरो पुट किया, और मैंने कल भी आपको बताया था जब आप फर्स्ट टाइम कोई ज़ीरो खुद से कंसीडर करते हैं तो आप आंसर में पॉइंट या डेसिमल डॉट लगाते हैं, ठीक है जी। अब ये ज़ीरो मैंने यहाँ ड्रैग कर दिया, ये 10 हो गया। 8 के टेबल में या तो आप 10 फाइंड आउट करें या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर, 8 1 8, 10 - 8 2। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपने फ्रैक्शन की डिवीजन तब तक करनी है जब तक आपके पास रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो ना आ जाए, ठीक है। मैं सेकंड टाइम ज़ीरो पुट करूँगी और ये ज़ीरो मैंने यहाँ ड्रैग कर लिया, ये 20 हो गया। फर्स्ट टाइम जब आपने ज़ीरो लगाना है तो आपने आंसर में उसका डेसिमल लगाना है, उसके बाद आप जितने भी ज़ीरो पुट करेंगे आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा या कोई और एक्स्ट्रा चीज़ आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आप दो डिजिट यानी कि 2 0 एक साथ पुट करते हैं तो 1 0 का डेसिमल लगता है और 1 0 की जगह पे 0 पुट होता है आंसर में, ठीक है। 8 के टेबल में हमने यहाँ से 20 चेक करना है या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर, 8 2 16, 0 - 6 नहीं होता, ये कट कैसे 1 ये 10, 10 - 6 4, और यहाँ मैं एक और 0 ड्रैग आउट कर लूँ, 8 5 10 40, ठीक है। अब हमारा रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो यहाँ हमें एक्स्ट्रा 0 पुट करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका डेसिमल में आंसर क्या आ गया 12.125, ठीक है जी। अगर आप देखें तो मैंने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट करके यही आंसर था, ठीक है, और डिवीजन मेथड से भी आपका आंसर यही था। जब भी कोई नंबर आपको डिफ़िकल्ट लगे तो आपने सिंपल फ्रैक्शन की डिवीजन कर लेनी है और आपका आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। इसी तरह हम एक और क्वेश्चन चेक कर लेते हैं जिसका डिनोमिनेटर हम 100, 10 या 1000 में कन्वर्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसको बाय डिवीजन मेथड हम सॉल्व करके देख लेते हैं कि आंसर सेम आता है हमारा, ठीक है। जो आपका क्वेश्चन नंबर एफ है उसमें भी आपका डिनोमिनेटर जो है वो 8 है, तो उस 8 डिनोमिनेटर को आपने या तो इस मेथड से कन्वर्ट कर देना है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, या आपने बाय डिवीजन मेथड उसको सॉल्व कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है जी क्वेश्चन नंबर आई, उसका डिनोमिनेटर 16 है, मैं वो सॉल्व करके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। अच्छा जी, अब आप अपना डिनोमिनेटर चेक करें तो ये हमारे पास 16, लेकिन 16 के साथ ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई नहीं होता जो कि आपका डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 कर दे, ठीक है। तो इसे हमने सिंपली डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे, ये 10,000 से कन्वर्जन होती है इसकी, लेकिन हम 10,000 तक नहीं जाएंगे, हम इसको सिंपली डिवाइड करके चेक कर देते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 6
16 के टेबल में यहाँ तो आपने 55 चेक करना है या नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर चेक करना है, तो 16 3 48 होता है, ठीक है जी। यहाँ हमने 15, ये 4 है, 15 माइनस 8 7। अब हम खुद से यहाँ पे एक ज़ीरो पुट करेंगे, जब भी हम फर्स्ट टाइम खुद से कोई ज़ीरो पुट करते हैं तो हम आंसर में डेसिमल डॉट लगाते हैं, ठीक है। अब दिस ज़ीरो इज ड्रैग हियर। 16 के टेबल में यहाँ तो आप 70 चेक करें या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करें, तो 16 4 60 4 आपको टेबल अच्छे से आने चाहिए, अदरवाइज ये सॉल्व नहीं होंगे। 10 हो गया, बोरो किया था नहीं, ये 10 हो गया, ये 6 रह गया, 10 माइनस 4 6 हो गया। तो यहाँ हम एक और ज़ीरो लगाएंगे क्योंकि अभी हमारे पास रिमाइंडर में 6 है। हमने डेसिमल में कन्वर्जन करने के लिए नंबर को तब तक डिवाइड करना है जब तक हमारे पास आंसर रिमाइंडर में 0 नहीं आ जाए। अब आप 16 के टेबल में 60 चेक करें या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करें। हमें पता है 16 4 64 है, 64 60 से ग्रेटर है, तो 16 3 48 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है जी। ये हमारे पास 0 था, 0 को हमने यहाँ से एक बोरो करके 10 कर दिए, ये रह गया हमारे पास 5, 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 4 1 12, 12 हमारे डिवाइडर से छोटा है, तो हम यहाँ अगेन एक 0 पुट करके उसे यहाँ ड्रैग कर लेंगे, ये हो गया 120। अब हमने 16 के टेबल में 120 चेक करना है या नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक करना है। जैसा कि आपने अभी इसमें चेक किया, 16 4 क्या होता है हमारा 64 होता है, तो 16 5 80, 16 6 96, 96 भी इससे काफ़ी स्मॉलर नंबर है, चेक कर लेते 16 7 112। मीन के 112 इसका नियरेस्ट स्मॉलर नंबर है, 16 7 112, ठीक है जी। यहाँ से हमने एक बोरो करके इसको 10 कर दिया, ये हमारे पास क्या लगे 1, 10 माइनस 2 8 8। अभी भी हमारे रिमाइंडर में जो है नंबर है वो 8 है, जो कि हमारे डिवाइडर से स्मॉलर है। हमें कहाँ तक डिवीजन करनी है, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमारे पास आ गया 80। अब 16 के टेबल में यहाँ तो नंबर 80 चेक कर लें और यहाँ नंबर नियरेस्ट स्मॉलर नंबर चेक कर लें, तो हमें पता है 16 5 80 है, 16 5 80, ठीक है। अब हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, इसमें डिवीजन कंप्लीट हो गई, तो हमारा आंसर क्या आया 3.437 5, ठीक है जी। 3.437 5 वो नंबर जिनके डिनोमिनेटर 10, 100 या 1000 में इजीली कन्वर्ट नहीं होते, उनको आप बाय डिवीजन मेथड सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको दोनों मेथड्स बता दिए। अब आपने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है, नुमान 8 1/8 ऑफ अ पिज़्ज़ा, हाउ कैन ही वो राइट दिस नंबर एज अ डेसिमल, हाउ वी कैन राइट दिस फ्रैक्शन एज अ डेसिमल। तो 1/8 वाली फ्रैक्शन जो है हमने 97/8 से की थी, तो आपने 1/8 को सॉल्व करके मुझे आंसर चेक करवाना है। कितना पिज़्ज़ा उसने खाया जी, 1/8। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए सॉल्व करने लगी हूँ, उसकी एक रीज़न ये है कि जो हमारा डिविडेंड का फर्स्ट डिजिट है वो स्मॉलर है, 1/8, तो हमारे पास ये 1 तो डिवाइड ही नहीं होगा 8 से, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 0 पुट करेंगे। जब भी हम फर्स्ट 0 पुट करते हैं आंसर में डेसिमल लगाते हैं, ठीक है जी। बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, 8 1 8, 10 माइनस 8 2। अब हम 0 पुट करेंगे, जब हमने सेकंड टाइम 0 पुट करना है तो आंसर में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। ये 20 हो गया, 8 2 16, 10 माइनस 6 4 हो गया। अभी भी हमारे पास रिमाइंडर में एक नंबर है, अब ये 40 है, 8 5 40, ठीक है। अब 0 आ गया रिमाइंडर, हमारा आंसर आया है 0.1
0.125, यानी कि उसने पूरा पिज़्ज़ा में से कितना खाया है, 0.125। ठीक है जी, अब मैं आपको होमवर्क के क्वेश्चंस बता दूं जो कि आपने एज अ होमवर्क सॉल्व करने और मुझे जूम पे सेंड करने हैं। एक्सरसाइज 5 हमने सॉल्व की है, जिसमें हमने देखा है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। होप सो आपको समझ आ गई होगी। जो चीज़ें आपको समझ नहीं आई आपने मुझसे जूम पे कॉन्टेक्ट कर लेना या कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है, ठीक है। ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने पड़ते। ये जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं बोर्ड पे, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट एफ जी एच आई जे के और एल, और क्वेश्चन नंबर 2 आपने अगेन सॉल्व करना है, और होमवर्क मुझे जूम पे सेंड करना है। बच्चों आप सारा दिन मोबाइल पे, लैपटॉप पे वीडियो गेम्स खेलते हो, मूवीज़ देखते हो, तो उसमें अगर एक घंटा आप अपनी स्टडी को दें, हमारी वीडियोज़ को देखें, उनसे प्रैक्टिस करें, तो आप अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं, 9th-10th के एग्ज़ाम दे सकते हैं, उनमें अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं और एक पढ़ा लिखा शहरी बन सकते हैं। ठीक है जी, हमारी वीडियो सिर्फ आपके लिए और टोटली फ्री है, इसके लिए हम आपसे कोई पैसे कोई चार्जेस नहीं लेते, तो लिहाजा आप अपने पैसे भी बचा सकते हैं। आप बिना स्कूल गए, बिना कोई और ट्यूशन हासिल किए हमारी वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ठीक है, हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत है वो इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अपना और अपने साथियों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।